वेलकम टू द सिजलर्स। थंबनेल को क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज मैं शेयर करूंगी एक बेहतरीन स्नैक रेसिपी जो कि बनती है बंधा गोभी यानी कि कैबेज से। पहले हम बंधा गोभी के पत्तों को एक एक करके अलग कर लेंगे। फिर ये जो पोर्शन है ये थोड़ा हार्ड होता है तो इसे हम काट लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर पानी को हम गर्म होने रखेंगे। पानी को हमें बिल्कुल भी उबालना नहीं है यानी कि इसे बॉईल नहीं करना है, हमें बस गर्म करना है। उसके बाद हम बंधा गोभी के पत्तों को इसमें डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे सॉफ्ट होने में करीब 4 से 5 मिनट तक लगने वाले हैं। तब तक आप इसे पलटते रहें ताकि इसके सारे किनारे सॉफ्ट हो जाए। जब आपको लगे कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं, आप इसे पानी से निकाल लें और इसे ठंडा होने रखें। फ्राइंग पैन में हम डालेंगे तेल। तेल के गर्म होने पर हम डाल रहे हैं बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे हम फ्राई करेंगे। ऐड करेंगे ग्रीन कैप्सिकम। हमने यहाँ पर एक छोटा साइज का कैप्सिकम यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ पर रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। डालेंगे नमक। नमक डालने से जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो स्पीड ले लेता है तो इससे हमारा कैप्सिकम है वो जल्दी से पक जाएगा। ऐड कर रहे हैं टमाटर। एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट आप अपने हिसाब से डालें, जितना आप पसंद करें उतना ही आप यूज करें। डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से फ्राई करेंगे हम। ऐड कर रहे हैं 2 आलू जिसे हमने पहले बॉईल किया है और फिर मैश कर लिया है। सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ हम 1 कप श्रेडेड सोयाबीन यूज कर रहे हैं जिसे हमने पानी में बॉईल कर लिया है। फिर ठंडा होने के बाद बिना पानी के इसे हमने मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। 1 कप श्रेडेड सोयाबीन को हम डाल देंगे हमारी स्टफिंग में। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार है, इसे हम अलग रख देंगे। दूसरे बर्तन में हम डालेंगे 1 कप बेसन, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 नमक आप स्वादानुसार डालें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे हम, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और पानी डालकर हम बैटर तैयार कर लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर में डालें, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा और सारे मेजरमेंट आपको बदलने पड़ेंगे। देखिए बैटर हमारी पूरी तरह से तैयार है। अब बंधा गोभी के पत्ते को हम बिछा लेंगे जिसमें आप इसी तरह से स्टफिंग भरें और हल्के हाथों से बंद करते हुए इसे रोल कर दें। इस स्टेप को आप बहुत ही ध्यान से करें। देखिए हमारी रोल तैयार है।
इसी तरह से हम बाकी कैबेज रोल्स भी तैयार कर लेंगे। हमारे सारे रोल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम कैबेज रोल्स को बैटर में डिप करेंगे और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई होने रखेंगे। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ ये स्टेप। पहले हम इसे बैटर में डिप करेंगे, फिर फ्राइंग पैन में फ्राई होने रखेंगे। इसे आप पलटते हुए फ्राई करें। जब एक तरफ से ये पक जाए, हम इसे पलट देंगे। और गर्मा गर्म आप अपने गेस्ट को इसे सर्व करें। आपके गेस्ट उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कैबेज रोल की रेसिपी आपसे जरूर मांगेंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रेसिपीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कोई रेसिपी ट्राई करें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही नए वीडियोस एवरी संडे और वेडनेसडे आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।